हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के स्टूडियो में एमपी पुलिस एग्जाम का एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए, और ये पूरा 10 जनवरी का है आपका। देखिए, 10 जनवरी हमारी जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन है जीके और साइंस के पूरे स्टूडियो में कवर करेंगे। ऑल शिफ्ट यहाँ पर हमने इसीलिए मेंशन किया है, और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो टेलीग्राम और एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, जैसे कि हम हर वीडियो में हमारी बताते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फाइनली स्टार्ट करते गए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था चंदेरी का प्रवेश द्वार कौन सा है। मेहराब द्वार प्रवेश द्वार जो है ये आपका चंदेरी का प्रवेश द्वार है। एक और चीज आपको बता दें हम कि अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के वीडियोस देखे हैं तो इस वीडियो को भी आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि कुछ और क्वेश्चन इसमें एड किए गए। जो क्वेश्चन उस वीडियो में हमने बताए थे उनमें से और नए क्वेश्चन दिए गए, साथ ही कुछ क्वेश्चन उसमें जो गलत थे उनके भी हम यहाँ पर करेक्शन करके लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु का नृत्य जिसमें मोर का वेश धारण किया जाता है, तो ये जो नृत्य है इसको माइल अटाम बोला जाता है, और ये जो माइल अटाम नृत्य है तमिलनाडु का है, इसमें मोर का वेश धारण करके स्त्रियां जो महिलाएं हैं वो मोर का वेश धारण करती है और इस नृत्य को करती हैं। तो देखिये, ये जो माइल अटाम है इस शब्द का अर्थ मोर होता है, ठीक है, और इस लोक नृत्य में तमिलनाडु की जो महिलाएं मोर बनती है और मोर के सदृश नृत्य करने का प्रयास हो करती है, तो ये माइल आटम इसको हम बोल सकते हैं। गाइस, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी कांस्टेबल की, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को एक नई दिशा दे सकते हैं। प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 99 रुपीज में मिल रही है डिस्काउंट, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर इस पर अभी चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन जहाज महल से आपसे रिलेटेड था, जहाज महल कहाँ पर है तो आप सभी को बताइए, ये आपका मांडू में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओलंपिक से पूछा गया था कि भारत ने ओलंपिक में कितने पदक अभी तक जीते हैं। 35 पदक भारत ने कुल अभी तक जीते हैं ओलंपिक में, और ओलंपिक के इतिहास में ध्यान रखिएगा इसमें 10 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 16 कांस्य पदक शामिल है, और ये मिलाकर 35 पदक भारत ने अभी तक जीते हैं। ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा 8 स्वर्ण पदक भारतीय हॉकी टीम ने अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दिल्ली मुंबई हाईवे मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरता है, तो ये आपका भिंड जो जिला था ये ऑप्शन में था, इससे नहीं गुजरता है, बाकी रतलाम मंदसौर और झाबुआ ये जो तीन ऑप्शन थे इनसे आपका होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया पश्चिम बंगाल में किसने राज नहीं किया है। गाइस, पश्चिम बंगाल में इनमें से मुस्लिम राजाओं सुल्तानों और बंगाल के नवाबों ने इनमें से राज नहीं किया है, बाकी किसने किया था ये ऑप्शन में आपको पता चलेगा, बाकी इसका ऑप्शन हमें अभी तक नहीं मिल पाया था इसीलिए यहाँ पर हमने मेंशन भी नहीं किया है। आप ये याद रखिएगा किसने राज किया है, तो आप अगर ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन रिपीट होगा तो आप इन तीनों ऑप्शन को याद रख लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहा जाता है, तो ये आपको सिंगरौली जिले को कहा जाता है, और बेड़न सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी होने का गौरव प्राप्त है मध्य प्रदेश की, जैसा कि आप सभी को पता ही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था खूनी दरवाजा कहाँ स्थित है, तो आप सभी को बताइए चंदेरी अशोकनगर में आता है ये आपका खूनी दरवाजा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रमंडल खेलों में पहला मेडल किसने जीता था, तो ये जो पहला मेडल जीता था राष्ट्रमंडल खेलों में रसीद अनवर ने जीता था, ध्यान रखिएगा, और व्यक्तिगत स्पर्धा में ध्यान रखिएगा भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में पहला पदक किसने जीता, रसीद अनवर ने जीता था। मिल्खा सिंह ने 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, तो दोनों का हमने आपको बता दिया है, और ये क्वेश्चन मिल्खा सिंह वाला आपका कल पूछा गया था, आज रसीद अनवर से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कतर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने 3 पदक जीते थे, उसमें भारत की रैंक कौन सी थी, तो ये रैंक वाला भी क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी की इमारत की जो शैली थी एक किस प्रकार की थी, कौन सी थी, तो हिंदू और इस्लामी दोनों तरह की सिख इमारतों की शैली यहाँ पर पाई गई है फतेहपुर सीकरी में, ध्यान रखिएगा, तो दोनों का मिश्रण ये थी। फतेहपुर सीकरी की इमारतों ने अपनी स्थापत्य शैली में इस्लामी और हिंदू दोनों तत्वों को शानदार ढंग से मिश्रित किया हुआ है, और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी इसको चिन्हित किया गया है फतेहपुर सीकरी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आया था आपका हर्षवर्धन ने किस राज्य में शासन नहीं किया, देखिए पश्चिम बंगाल माफ कीजिएगा, देखिए हर्षवर्धन जो है यहाँ पर जो ऑप्शन हमें बताए गए थे वो इस प्रकार थे कि पूर्वी पंजाब दक्षिणी पंजाब उत्तरी पंजाब, तो इस प्रकार से ऑप्शन थे। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं हर्षवर्धन ने जो राज किया है वो वल्लभी गुजरात में किया है, साथ ही हम आपको एज अ स्टेट बता देते हैं गुजरात में किया है, पंजाब, इसके अलावा उड़ीसा बंगाल बिहार और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में हर्षवर्धन ने राज किया है, बाकी अब ऑप्शन में आपका क्या आया था वहां पर नहीं किया है इनको छोड़कर, और हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी जो कि उत्तर प्रदेश में आता था।
हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर उसी क्वेश्चन का है, हर्षवर्धन से रिलेटेड ही एक फैक्ट और बच गया है। हर्षवर्धन का जो साम्राज्य पंजाब से उत्तरी उड़ीसा और हिमालय से नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, हस्सू और हद्दू खां, ध्यान रखिएगा, हस्सू और हद्दू खां जो थे किस घराने से संबंधित थे? ये ग्वालियर घराने से संबंधित थे, हस्सू खां और हद्दू खां। और एक और चीज आप याद रखिएगा, ग्वालियर जो घराना था इसकी गायन शैली की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। तो ध्यान रखिएगा, ग्वालियर की घराना, जो ग्वालियर घराना था, इसकी गायन शैली की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हद्दू खां, हस्सू खां और नत्थू खां, ये तीन भाई थे, इन तीन भाइयों ने ही की थी ग्वालियर घराने की गायन शैली की शुरुआत। अगला क्वेश्चन तुलसी अकादमी से रिलेटेड था गाइस आपका, कि तुलसी अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहां पर है आपकी तुलसी अकादमी? भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिएंटल पेपर मिल कहां पर है? ओरिएंटल, ओरिएंट भी इसको बोला जाता है, ओरिएंटल पेपर जो मिल है ये आपकी अमलाई में है और ये आपका शहडोल जिले में आता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि धर्मराज पल्लव काल की विशेषता आपको बताना है, काफी डीपली क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कितना किसी ने भी इतना डीपली क्वेश्चन पढ़े होंगे एमपी कांस्टेबल की एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्क के मुकोटा धारण करना किस नृत्य की विशेषता है? तो ये जो नृत्य है इसको मुकोटा नृत्य ही बोलते हैं। अब ये एमपी का पूछा था या फिर एज ए नेशनल लेवल से पूछा था आपका, ये अगर आपको पूछा जाए तो देखिए मध्य प्रदेश में तो ऐसा अभी तक मुझे नहीं लगता कि होगा, बाकी नेशनल लेवल पर मुकोटा नृत्य होता है जिसमें मुकोटा धारण करके नृत्य किया जाता है, और ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है जिसको हम मुकोटा नृत्य या मुकोटा युद्ध नृत्य बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कोयले से था, कोयले का कौन सा प्रकार जो सर्वाधिक शुद्ध होता है? तो ये एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है ये सर्वाधिक शुद्ध प्रकार है कोयले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वीं एशियन एथलीट चैंपियनशिप में भारत की रैंक कौन सी थी? तो इसमें चौथी रैंक थी भारत की, 23वीं एशियन एथलीट चैंपियनशिप थी ये, और ये कहां पर हुई थी? दोहा में ये आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ओलंपिक से था, कि ओलंपिक में भारत से सबसे पहले पदक किसने जीता था? तो केडी जाधव ने जीता था 1952 में, ओलंपिक से भारत में सबसे पहले पदक इन्होंने ही जीता था 1952 में, और व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे केडी जाधव, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया था, सिंहस्थ कुंभ मेला कहाँ लगता है? सही जवाब रहेगा उज्जैन में, अभी लास्ट ईयर लगा था ये आपका 2016 में लास्ट टाइम, ध्यान रखिएगा। हर 12 वर्ष के अंतराल में ये जो मेला है आयोजित किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए अब नेक्स्ट आने वाले शिफ्ट में कि उज्जैन सिंहस्थ जो महाकुंभ है वो अगली बार कब आयोजित किया जाएगा, तो 2028 में इसको अब आयोजित किया जाएगा, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है? और अर्जुन जो पुरस्कार मिला है इनमें से देखिए विराट कोहली, एमएस धोनी, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे और उनमें से आपका इन दोनों को मिला है, विराट कोहली और एमएस धोनी को, और बाकी के दो ऑप्शन और हमें पता नहीं है, या तो उपरोक्त दोनों ये था या फिर सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अगर उपरोक्त दोनों था आपका सी ऑप्शन तो ये दोनों ही हमारे करेक्ट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को बताइए इंदौर में आपका स्थित है, काफी इजी क्वेश्चन ये रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोयाबीन अनुसंधान केंद्र से है, गाइस सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है आपका इंदौर में। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर है, तो ये आपका उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से पूछा गया था कि किसको यह मिला है? अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं मिल पाया क्योंकि ये पता नहीं चल पाया कि 2020 का पूछा है, 2021 का पूछा है या कुछ ऑप्शंस मिले थे। तो हम आपको 2021 का रिवाइज करवा देते हैं, अगर आपके नेक्स्ट आने वाले एग्जाम जब भी है आपका, जब अगर आपसे पूछा जाए तो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। देखिए नीरज चोपड़ा को 2021 में मिला है, रवि दहिया को, इसके अलावा पी आर श्रीजेश, लवलीना बोरगोहेन, इसके अलावा सुनील छेत्री, मिताली राज, प्रमोद भगत, इसके अलावा सुमित अंतिल को मिला है, और इसके अलावा अवनी लेखारा को मिला है निशानेबाजी में, कृष्णा नागर को मिला है, इसके अलावा मनीष नरवाल, ये सभी लोगों हम आपको बताएं ये सभी खिलाड़ी हैं और इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2021 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिक्स सम्मेलन 2021 कहाँ और कब हुआ था? देखिए ब्रिक्स जो सम्मेलन है इसकी भारत ने अध्यक्षता की 2021 में और वर्चुअली इसकी अध्यक्षता की गई, ये कहाँ और कब हुआ? तो देखिए ये हुआ है आपका 9 सितंबर को 2021 में और इसकी अध्यक्षता की गई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली शामिल हुए थे उसमें, भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी, नई दिल्ली में आपका आयोजित किया गया था, 13वां शिखर सम्मेलन था ये ब्रिक्स देशों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका से गुफाओं से रिलेटेड था कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं कहां पर स्थित है, रायसेन जिले में स्थित है और यूनेस्को की साइट में भी ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंदौर से रिलेटेड था गाइस, इंदौर में कौन सा स्टेडियम है, देखिए इंदौर में होलकर स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम है, इसके अलावा अभय खेल प्रसार, ये सब स्टेडियम इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिहार वंश से पूछा गया था कि प्रतिहार वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है या किस जिले से संबंधित, तो उज्जैन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भीमसेन जोशी का संबंध किससे है, सही जवाब रहेगा सेनाई वादे के थे। और अगला क्वेश्चन है भारत के केंद्रीय खेल मंत्री कौन है, सही जवाब रहेगा अनुराग ठाकुर। आइए अब हम साइंस की ओर आगे बढ़ते हैं क्योंकि जीके के हमने काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे आप कमेंट करके बताइएगा कि इतने ही क्वेश्चन थे या और भी क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन बेरीबेरी रोग से रिलेटेड है, किससे होता है ये आपका बेरीबेरी रोग, तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है बेरीबेरी रोग। अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण किससे होता है, गाइस प्रदूषण वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपसे पूछे जा रहे हैं, एक रोग वाला दूसरा प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन रोजाना पूछे जा रहे हैं आपसे, तो इनको तो आप एज ए कंप्लीट कर ही लीजिएगा। देखिए जल प्रदूषण जो है औद्योगिक कूड़ा, इसके अलावा कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियों से, इसके अलावा कचरा फेंकने से होता है जल प्रदूषण, पानी जल में कचरा फेंकने से, इसके अलावा जहाजों से होने वाला जो तेल का रिसाव होता है उससे भी जल प्रदूषण की समस्या होती है, तो इन सभी कारणों से जल प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू किस वायरस से होता है, अब डेंगू चार वायरसों से होता है और ये जो चार प्रकार के वायरस होते हैं ध्यान रखिएगा, वो चार वायरस कौन कौन से हैं, देखिए DENV1, DENV2 और DENV3, DENV4, ये चार वायरस हैं जिनसे डेंगू होता है और ऐसे इनको डेंगू का वायरस भी आप बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वाइन फ्लू रोग का विषाणु कौन सा है, स्वाइन फ्लू जो रोग है इसका विषाणु होता है H1N1 इसका विषाणु है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रेबीज रोग के लक्षण कौन कौन से हैं, देखिए रेबीज जो रोग है इसके लक्षण तो काफी सारे हैं बट इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर था जो कि आपके एग्जाम में आज क्वेश्चन आया था हाइड्रोफोबिया उसका सही जवाब रहेगा, ये रेबीज रोग का लक्षण है, साथ ही इसके और भी लक्षण हैं जैसे दर्द होना, इसके अलावा थकावट महसूस करना, इसके अलावा सिर दर्द, बुखार आना, मांसपेशियों में जकड़न होना, चिड़चिड़ापन, उग्र स्वभाव और व्याकुल, ये सभी जो है रेबीज रोग के लक्षण हैं। गाइस रेबीज जो होता है किसके काटने से होता है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेजा किसके कारण होता है, हेजा जो होता है वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है, वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के एंट्रोक्टिन जो होता है एंट्रोक्सिन इससे उत्पन्न करने वाले उपभेदों से ये आपका होता है हेजा, और मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से मनुष्य के ये हो जाता है हेजा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चार जगत का वर्गीकरण किसने दिया, चार जगत का जीवों की द्विनाम पद्धति ऐसे पंच जगत का ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो चार जगत का जो वर्गीकरण दिया था ये H.F. कॉपलैंड ने दिया था और कब दिया था 1956 में इनके द्वारा ये वर्गीकरण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बीजपत्री पौधे से रिलेटेड था कि एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण आपको बताना था, घास गेहूं और मक्का ये तीनों एक बीजपत्री पौधे की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पादप जानवर किसे कहते हैं, गाइस पादप जो जानवर है ये कहा जाता है मखावली को, ब्लेडर वाटर को और घटपर्णी, ये सभी पादप जानवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदरपातन क्रिया किससे संबंधित है, गाइस उदरपातन जो क्रिया है एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपने ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो जब भी कोई पदार्थ अपने ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित होता है उस प्रक्रिया को उदरपातन प्रक्रिया कहते हैं, उदरपातन क्रिया अभी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाटर साइकिल से, देखिए वाटर जो साइकिल है इसकी प्रोसेस कौन सी नहीं है ये आपसे पूछा गया था, तो हम आपको बताते हैं कि वाटर साइकिल की प्रोसेस कौन कौन सी होती है। अब आपको तीन ऑप्शन तो वो मिले थे और एक ऑप्शन मिला था जो नहीं थी, तो वो आपका करेक्ट आंसर था। हम आपको बताते हैं कौन सी प्रोसेस जो है वाटर साइकिल की होती है जल संग्रह की, तो वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वर्षण, अंतःस्पंदन, अफवाह और संग्रह, ये सभी जो है वाटर साइकिल की एक प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन है हमारा रेबीज रोग किससे होता है, गाइस रेबीज जो रोग होता है ये जानवरों के काटने से होता है, पहले शिफ्ट में आपसे पूछा गया है कि रेबीज रोग का विषाणु आपसे पूछा गया,
और इसमें पूछ लिया रेबीज रोग किससे होता है, तो जानवरों के काटने से ही फैलता है। अब किस जानवर के, अगर आपसे जानवर का नाम भी पूछा जाए तो ये रेबीज जो होता है ये कुत्ते के काटने से होता है, साथ ही बिल्ली के काटने और बंदर के काटने। तो कुत्ते बिल्ली और बंदर के काटने से जो रोग होता है उसे कहते हैं रेबीज रोग, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर से आपका पूछा गया कि विभवांतर नापने की इकाई को क्या कहते हैं, तो वोल्ट इसको कहा जाता है। गाइस यहाँ पर हम साइंस के सभी क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, इसके अलावा एमपी जीके नेशनल जीके करंट अफेयर जितने भी क्वेश्चन हमें मिल पाए थे सभी हमने कवर कर लिए हैं। बाकी अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोनों की, जहाँ से आप डायरेक्टली इसको प्राप्त कर सकते हैं स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाकर। वीडियो आपको कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर इसे करें ताकि हमें इसकी सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो अगर आप चाहते हैं तो गाइस एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है हमारे, जिस पर काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, अभी ओनली और 99 रुपीज में मिल रही है। अगर आप चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छी प्रैक्टिस यहाँ से आपकी हो जाएगी। 25+ टेस्ट है इसमें, फुल लेंथ टेस्ट, एज ए यहाँ पर आप डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के स्टूडियो में बस इतना गाइस, मिलते हैं हम एक नई स्टडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।